हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बिग बॉस में काफी लड़ाई झगड़े हुए, जहाँ पे कल बता रहे थे कि जिस तरीके से श्री अग्रेसिव हुए हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बिकॉज वो बहुत ही बिग बॉस की वजह से, बिग बॉस से जब उन्होंने बात की श्री ने, तो वो कहीं ना कहीं वो बात बहुत आसानी से वो बात टल गई। और बहुत ही प्यार और तरीके से बिग बॉस ने श्री को समझाया, और श्री ने जाकर रोहित से पूछा। जो बात थी वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो वो कहीं ना कहीं बात सॉर्ट आउट हो गई। और मेरे हिसाब से जो मेघा अभी घर में कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत जा रही हैं, गलत लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, गलत तरीके यूज़ कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रही हैं अभी टास्क को लेकर। तो वो जहाँ कभी जब आई थी, जब रोमिल को बोली थी कि आप टास्क में अग्रेसिव हो जाते हो बहुत ज़्यादा, और आप समझते नहीं हो, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेघा टास्क में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रही हैं। तो जल्दी से स्टार्टिंग कर लेते हैं, क्या क्या हुआ और कहाँ गलत थे घर वाले, और कौन कौन गलत थे, कौन कौन सही थे, आज क्या क्या प्लानिंग हुई है घर के अंदर। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो आज यहाँ स्टार्टिंग हुई, वहीं पर दिखाया कि रोहित दीपक मेघा और जसलीन आपस में बात कर रहे थे। और जहाँ पे वो बात कर रहे थे कि इसके बारे में, जहाँ पे मेघा और रोहित से कह रही थी कि यार आप हमारी टीम की तरफ से खेल रहे हो, आप गद्दार निकले हो, और आपको एक बार हम आपको ही सपोर्ट करने वाले थे, आपका और मेघा का मेरा नाम था। मेघा कर रही थी उनसे बात कि मेरा और आपका नाम था, और आपको कहीं ना कहीं कैप्टनसी की दावेदारी मिल सकती थी। तो रोहित ने कहा कि श्री ने मेरे से एक बार भी नहीं कहा, मेरे को नाम लेकर एक बार भी नहीं कहा रोहित, कि हम आपको कैप्टनसी की दावेदारी में ला रहे हैं। तो मैं कहीं पागल नहीं हूँ, मुझे भी सब समझ में आता है, और मैं अपने फ्रेंडों के लिए खेल रहा हूँ ऑब्वियसली, तो मुझे इस बात में कोई बुरी चीज़ नहीं लगती है। और इसी बीच में उनकी काफ़ी आपस में बहसबाजी हो गई, लड़ाई हो गई एक दूसरे में, जो जहाँ पे वो आपसी सहमति करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपसी सहमति नहीं हुई, और वो जो झगड़ा था वो उनका भड़ गया अग्रेशन में। उसके बाद में दीपक ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी टांग खिंचाई कर दी जसलीन के मेकअप के ऊपर, जहाँ पे मॉर्निंग में उठे और जब जसलीन मेकअप कर रही थी, तो दीपक ने कहा कि क्या बात है, बिग बॉस वालों ने जरूरत का सामान लाने के लिए परमिशन दे ही दी। तो जसलीन समझ गई थी एक्चुअली वो उनके ऊपर था, और वैसे भी टॉन्ट तो दीपक ने जसलीन के ऊपर ही मारा था। तो जिस वजह से जसलीन कहीं ना कहीं भड़क गई। मुझे एक बात तो कहनी है इस चीज में कि है ना कहीं दीपक जो भी बात बोलते हैं बड़ी पॉइंट ही बोलते हैं, और टांग खिंचाई वो बहुत अच्छे से करते हैं। और जसलीन और जिस तरीके से दीपक की केमिस्ट्री अभी बैठ रही है, एक चूहा बिल्ली वाला जो खेल हमको देखने को मिल रहा है दोनों का, तो वो कहीं ना कहीं बहुत मजा भी आता है उस चीज को देखने में, थोड़ा फन आ जाता है। ओके, उसके बाद में केबी आज काफी जगह हमें बात करते हुए नजर आई, जहाँ पे सुरभि से उन्होंने 3 से 4 बार बात की थी, जहाँ मॉर्निंग में भी वो केबी सुरभि से बात कर रहे थे, उसके बाद में भी जब रोमिल और के सुरभि की लड़ाई हुई तब भी वो उनसे बात कर रहे थे, जहाँ गेम से पहले जब वो जीते थे तो उसके बाद में भी केबी और सुरभि बात कर रहे थे, उसके बाद में जहाँ पे रोमिल से जब सुरभि बात करने गई और उनके बीच में वो बात तो कंप्लीट नहीं हो पाई, और ज्यादा अग्रेशन हो गया एक दूसरे को लेकर, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया एक दूसरे से, उसके बाद में भी केबी नाइट में बात करते हुए नजर आए सुरभि से, जहाँ उन्होंने सुरभि से पहले डिस्कस किया कि सुरभि ने पहले सुरभि से वो बात कर रहे थे मेघा के बारे में, कि मेघा किस तरीके से खेल रही है, बहुत ही अजीब तरीके से खेल रही है, मुझे इनका गेम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो इस बारे में बात हुई, जहाँ पे सेकंड बार उन्होंने बात की पूरी हैप्पी क्लब के बारे में, कि जहाँ पे सुरभि ने क्लियर बताया कि यार देखो मैं ना इन लोगों के लिए कितना करती हूँ, और मेरी वजह से इनको पंप मिला है, नहीं तो ये कुछ भी नहीं थे, रोमिल मेरी वजह से आज इस जगह पे है, दीपक को मेरी वजह से पंप मिला है, और रोमिल जो आज इस कंडीशन में है वो मेरी वजह से है, बिकॉज कि अगर मैं नहीं होती तो इन लोगों के ग्रुप में पंप नहीं मिल पाता, और उन पंप के इनके पंप देने के चक्कर में मेरे फंस गए बम, और इन बम को निकालने के लिए मुझे किस तरह से जंप करना है वो मुझे अच्छे से पता है। तो देखो इन सारे पूरे टास्क के अंदर कहीं ना कहीं केवी हमें सुरभि के पास में मंडराते हुए नजर आए, और केवी दीपक से भी बात कर रहे थे इस बारे में, और दीपक शायद केवी ने सोमी से भी बात की थी 2 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो ये हैप्पी क्लब का जो ग्रुप है ना, वो कहीं ना कहीं तोड़ के और उनमें से स्ट्रांग पर्सनैलिटी के जो बंदे हैं वो अपनी टीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे केवी ने, सृष्टि ने, रोहित ने आज आपस में बात भी कर रहे थे, टास्क खत्म को जो है नाइट में लाइट बंद कर देते हैं बिग बॉस वाले, तो वहां पे वो आपस में बात कर रहे थे, पता है जहां पे उन्होंने डिस्कस किया कि देखो
जहाँ से ज़्यादा सौमी है मैक्सिमम 1 वीक 2 वीक के लिए है, और सुरभि बहुत ज़्यादा इन लोगों में स्ट्रोंग है, और सुरभि इन तीनों का माइंड एक साथ में चलता है, लेकिन सुरभि का माइंड बहुत अलग तरीके से चलता है और स्ट्रोंगली तरीके से चलता है। तो सुरभि पे ढाबा बोलो बेसिकली, तो वो अपना एक ग्रुप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं वो अपना एक ग्रुप बनाने के लिए। वहीं पे ही उन्होंने बाद में फिर सुरभि से दोबारा बात की कि यार रोमिल का और मेरा हो गया, अब या हमसे तो ना हो पाएगा, #, सुरभि एंड रोमिल की रिलेशनशिप अब हमसे ना निप पाएगी। तो वही वाली चीज अभी आज हमें देखने को मिली, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ है दोनों भाई बहनों के बीच में, जहाँ पे सुरभि एक बार उनको मनाने भी गई थी, रोमिल को मनाने भी गई थी, लेकिन वो नहीं मान पाए और उनको ये इस बात से ईगो हर्ट हो गया रोमिल को अपना, कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों बोला कि मैं आपको इस शो में दोबारा लेकर आई हूं मेरे बेस पे, क्योंकि ये बात सुरभि ने कहीं ना कहीं उनको बोली थी, और ये बात निकल के आई थी केबी की तरफ से। लेकिन केबी की तरफ से जहाँ केबी ने सिर्फ एक चिंगारी लगाई थी और वो एक आग में बदल गई, ये वाली बात, तो ये वाली बात है, तो रोमिल को कहीं ना कहीं हर्ट हो गया। जहाँ रोमिल ने बोला भी था कि देखो मैं अपने बेस पे आया हूँ और बिग बॉस वाले ने कुछ देखकर ही मुझे वापिस लिया है, बाकी का तुम मेरे साथ में आई हो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं, तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते थे, भाई तू मेरे साथ में आया, मैं तेरे साथ में आई हूँ, मैंने तेरे को उठाया, मैंने तेरे को दिखाया है लोगों के सामने, कोई किसी को नहीं दिखाने वाला है। हाँ लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब फर्स्ट वीक में ये लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे थे, जब रोमिल वापस आए और सुरभि के अग्रेशन और उसकी वजह से ही रोमिल कहीं ना कहीं हमें दिखने को दोबारा मिले हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के जो लड़ाई कर रहे थे वो कहीं ना कहीं दोनों ही सही थे, रोमिल भी अपने पॉइंट पे सही थे और सुरभि भी अपनी सही थी, दोनों का एक दूसरे का मेहनत थी और अपना माइंड था जो उन्होंने सेट किया घर वालों के साथ में, और गेम में आगे बढ़े। ओके उसके बाद में कहीं ना कहीं के भी इनके ग्रुप को तोड़ने के लिए लग रहे हैं, जहां पे दीपक से बात करते हुए नजर आए, जहां दीपक के लिए भी उन्होंने कोशिश की थी एक्चुअली में। देखो मेरे हिसाब से अभी के जो मास्टर माइंड है ना घर के अंदर, वो है केवी, और इस वीक के पूरे मास्टर माइंड केवी है, क्योंकि रोहित को जिस तरीके से उन्हें पंप किया तो रोहित ने पूरी गेम चेंज कर दी कैप्टनसी के टास्क की, और जिसकी वजह से दीपक और सुरभि कैप्टनसी की दावेदारी में आ गए। उसके बाद में उन्होंने सुरभि से बात की और वो दीपक की कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे दीपक के साथ में, और दीपक को बता रहे थे कि है ना रोमिल सही नहीं है, तुम दोनों का रोमिल का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आगे अगर जाता है तो बहुत ही गंदी गेम हो जाएगी। तो जहाँ पे दीपक भी कहीं ना कहीं गेम अपने एपी क्लब की बुराई करते नजर आए, उसके बाद में फिर केबी ने जब सुरभि को पकड़ा तो सुरभि भी कहीं ना कहीं अपने हैप्पी क्लब की बुराई करती हुई नजर आई। इस बीच में एक चीज है जो सोमी है, वो कहीं ना कहीं वो अपनी बात पे कहीं ना कहीं दिख रही है, सही दिख रही है, बिकॉज वो इन सब लोगों की वजह से वो कहीं गेम में दिख ही नहीं रही हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि एहसान फरामोशी के चक्कर में उनको साथ में लेकर चल रहे हैं वो, मतलब एक ऐसा जो झुंड में जब कोई चलता है तो किसी बच्चे को सेफ जगह से रख लेते हैं, बीच में जैसे कर लेते हैं, तो वो सेफ 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 उसको लेते जा रहे हैं, लेकिन जहां नजर हटी दुर्घटना घटी वो चीज हो जाएगी। और जिस तरीके से अभी ये ग्रुप हैप्पी क्लब जिस तरह से टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सोमी की शायद इस सप्ते बलि चढ़ सकती है। ओके उसके बाद में यहीं पे ही आज हाईलाइट थी बात, श्री वाली बात, श्री और रोहित, जिस तरीके से रोहित जब टास्क खेल रहे थे, जहाँ पे पहला जो राउंड था वो रद्द कर दिया गया बिकॉज उन्होंने लेवर जो था वो टूट गया था, जिसकी वजह से सेकेंड लेवर उन्होंने ट्राई किया लगाने का, और फिर उसके बाद में भी थोड़े से उसमें भी स्केचेस आ गए थे टूटने के, जहाँ पे रोहित ने अपना पूरा कंप्लीटली जोर लगाया और मेघा और जसलीन भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटे उस टास्क को करने से, जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देखने को मिला कि मेघा आज गेम में बहुत ही गंदी तरीके से बात कर रही थी, और जिस तरीके से उन्होंने लैंग्वेज यूज की, जिस तरीके से वो वर्ड्स बोल रही थी, जैसे कि एक बात इन घर वालों के बीच में कहीं ना कहीं बिग बॉस वाले कितना भी टूं टूं कर ले, लेकिन समझ में आ ही जाता है देखने वालों को, जहाँ पे उन्होंने पहला जो कल ही उन्होंने घंटा वर्ड यूज किया था, घंटा, और सबको पता है हिंदी में अगर कोई बोलता है घंटा, ये अभी ऐसी ट्रेंडिंग में है, लोग ऐसे ही मुंह पे घंटा बोल देते हैं, लेकिन ये एक गंदा वर्ड है, जो अगर आप अब अपने मॉम डैड या फैमिली के साथ में हो तो आप ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, और चलो ठीक है मेगा के मुंह से ऐसे वर्ड निकले,
तो उनको जब सब घर में जिस तरीके से सृष्टि समझाई, जिस तरीके से घर वाले उनको समझा रहे थे कि नहीं मेघा हिंदी में इस वर्ड का मतलब बहुत ज्यादा गंदा होता है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। जहां पे उन्होंने बार बार रोहित को बोली थी कि मैं तो इसको घंटा बोलूंगी घंटा बोलूंगी घंटा बोलूंगी घंटा बोलूंगी, तो उन्होंने काफी बार उस चीज को रिपीट किया। और उसके बाद में जब उनको लगा कि यार ये बात ज्यादा बहुत ज्यादा हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इस वर्ड के लिए अपना सॉरी मांगती हूँ, लेकिन ये मराठी में हमारे बोला जाता है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मराठी लैंग्वेज एक ऐसी है जो बहुत ही शुद्ध मानी जाती है, बहुत ही कठिन है वो लैंग्वेज बोलना, और वो संस्कृत से डायरेक्ट रिलेट करती है वो मराठी लैंग्वेज। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इस तरह के घंटा वर्ड का कोई मीनिंग होगा। अगर होगा तो वो वीकेंड के बारे पे ऑब्वियसली हमको पता चल जाएगा। बाकी का अगर कोई है जो मराठी के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, तो वो बोल प्लीज मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि एक्चुअली में घंटा का जो ये मीन्स है, घंटा वर्ड जो उन्होंने यूज किया, क्या वो सही है या गलत है। ओके, उसके बाद में मेघा ने और भी गलतियां की, जहां पे जो उन्होंने जिस तरीके से आज उनको पहले उन्होंने बोला रोहित के लिए कि उन्होंने मेरे चेस्ट पे मारा है और जबरदस्ती मारा है, जहाँ रोहित ने कहा भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जहां मेघा बिल्कुल गलत थी, ऐसा कुछ नहीं था, छीना झपटी में वो छोटी सी जगह में अगर आप ऐसे करोगी तो ऑब्वियसली आपके कहीं भी लग सकता है। उसके बाद में जब सेकंड बार भी मेघा ने बोला कि इसने मेरे मुंह पे कोहनी मारी है, बट एक्चुअली अगर किसी ने उसको ध्यान से देखा हो तो वो कोहनी रोहित की नहीं लगी थी, वो कोहनी जसलीन की लगी थी। बिकॉज जब जैसे उनका हाथ ऐसे फंसा हुआ था, तो जैसे ही मेघा पीछे खड़ी थी और रोहित की साइड पे खड़े थे, तो जैसे ही उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने क्या पकड़ने के लिए, जसलीन ने पहले से अपने हाथ से पकड़ा हुआ था, लेकिन दूसरे हाथ से पकड़ने के लिए जैसे उनका पीछे हाथ हुआ तो वो मेघा को यहाँ पर लगा, और उसके बाद में उन्होंने रोहित को टारगेट कर दिया। काफी काफी अग्रेसिव होती हुई नजर आई है। ओके, उसी के साथ साथ में मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ, जो चप्पल वाली बात हो रही थी कि उन्होंने मुझे जूता उठा कर मारने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं था। जब इन लोगों के बीच में कल लड़ाई हुई मेघा और रोहित के बीच में, तो जब रोहित के जब वो जैसे ही मॉम पर आए कि आपकी मॉम ने आपको यही सिखा कर भेजा है क्या, जहाँ मैंने ये बात कल बोली भी थी, जहाँ रोहित ने बोला कि सच में आप बोल रही सच आप ये बात आप सच बोल रही हो, तो आप अपने बच्चे की कसम लो इस चीज पे। उसने फोर्स नहीं कहा था कि तुम, ऐसे नहीं कहा था कि तुम अपने बच्चे की कसम, ऐसे नहीं कहा था कि तुम अपने बच्चे की कसम लो और फिर मुझे बताओ कि ये बात सच में सही है क्या। तो वो बात को बहुत ज्यादा ले गई। तो जब उन्होंने उनकी मम्मी पे पहुंची रोहित की पे मेघा, तो उन्होंने सिर्फ जूता उठाया था, और वो ऐसा नहीं उनको जूता मुंह पे मारने वाले थे या उनको कोई गाली गलौज या कुछ गंदे वर्ड यूज करने वाले थे। वहां पर उन्होंने वो जूता सिर्फ उनको गुस्से में उठा के, और उन्होंने वो पीछे की साइड में मतलब जहाँ पे सामान पड़ा था बहुत सारा, वहां फेंक दिया, जहाँ पे मेघा सबको चला चला के बार बार यही बोल रही थी, श्री और दीपिका और सारे घर को, जहाँ स्वामी को भी उन्होंने बोला कि भाई तेरे ऐसे फ्रेंड है क्या, उनको समझा लेना कि वो एक लड़की के ऊपर इंटरनेशनल और टीवी शो में वो जूता उठा रहा है यही सीख कर आया है क्या वो। जहाँ स्वामी ने कहा अगर ऐसा है तो हो सकता है वो गलत चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोहित ऐसा कुछ करेंगे। तो जहाँ पे कहीं ना कहीं देखो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं थी, जूते वाली बात सिर्फ उन्होंने उठाई और उठा के दूसरी तरफ फेंक दी थी, जब पे खुद उन्होंने दीपक को जूता मारने की कोशिश की, और सबने देखा वो चीज, सबने देखा जूता मारने की कोशिश की, और जहां पे सृष्टि ने उनकी मिमिक्री भी की थी, मतलब बेसिकली अगर कोई उनको बचाने नहीं आता तो डेफिनेटली वो दीपक को मार ही देती, और शायद कल तो मार ही दिया है, पता नहीं वो गेम चल रहा है या ड्रामा चल रहा है वो नहीं पता, लेकिन शायद वो उनको मार ही देती उस टाइम पे। ओके, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये बात क्लियर होती नजर आई। और सबसे बड़ी जो मैं रोहित का थोड़ा मुझे एक पॉइंट जो गलत लगा वो था, जिन्होंने जो उन्होंने बोला कि फाड़ दूंगा, वो वर्ड कहीं ना कहीं गलत था, उनको ये चीज यूज करनी नहीं चाहिए थी, आप वो कुछ और भी यूज कर सकते थे, लेकिन अग्रेशन में हो सकता है हो भी जाए, लेकिन जहां गलत है जो सही है जो सही है, तो मुझे मेघा अभी गलत लग रही है। सिर्फ रोहित के फाड़ देने वाली बात के ऊपर हम इतने सारे मुद्दों को ढक नहीं सकते, मेघा जी की गलतियों को ढक नहीं सकते कि वो मराठी बिग बॉस की विनर है, और मैंने कहीं ना कहीं देखा है उनकी लैंग्वेज मराठी बिग बॉस में जहाँ थी पहले, जब मराठी बिग बॉस मैंने भी देखा है काफी फॉलो भी किया है, तो वहां पे भी वो इस तरीके से ही यूज करती थी वर्ड्स को। ओके, उसके बाद में सेकंड हाईलाइट बात जो आज हुई वो हुई कि जैसे ही श्री जब ये लोग बाहर निकले, बेसिकली रेड जो टीम थी वो जीत गई कैप्टनसी की दावेदारी में टास्क में आने के लिए, वहीं पर ही आज जब जैसे ही मेघा और जसलीन घर से बाहर आई, उस टास्क जैसे ही वो कंप्लीट हुआ खत्म हुआ, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, श्री को उन्होंने वो बात करी थी टेबल के ऊपर बैठी, जहाँ उन्होंने बोला कि वो मतलब तुम्हारे लिए फिलिप संत बोले हैं और तुमको चेरी मास्टर बोले हैं, और उन्होंने पता है मेरे पास लिटरली जूता भी उठा लिया था, और मतलब उनका बेसिकली यही कहने का सीधा यही था, वो जिन जिन लोगों को बता रही थी कि भाई उसने मेरे को जूता उठा लिया वो मुझे मारने वाला था।
लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो जहाँ पे श्री कहीं ना कहीं उनको वो बात बहुत ज्यादा पिंच कर गई कि यार ये मेरे फादर के ऊपर चले गए, तो उसके बाद में उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की ड्रामा करने की, लेकिन दीपिका ने उनको कहीं ना कहीं समझाया कि प्लीज आप ऐसा मत करो। और उसके बाद में उन्होंने बिग बॉस का दरवाजा खटखटाया, कैमरे खटखटाए, माइक उतार के रख दिया था। फिर काफी देर बाद जब सोमी ने मेघा ने सोमी को बोल चुकी थी रोहित वाली बात के ऊपर, और जहाँ उनमें बहसबाजी हो गई थी, जहाँ रोहित ने भी क्लियर कर दिया था भाई जाके ना घर पे कैमरा चेक कर लेना, मुझे कोई क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वीकेंड के बाद पे 2-3 दिन की बात और है, वीकेंड पे ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी ये सब बातें। उसके बाद में श्री को बिग बॉस ने बुलाया और जहाँ उन्होंने बात की, तो बिग बॉस ने उनको कहीं ना कहीं देखो मुझे ऐसा लगा कि सॉरी सॉरी सॉरी, जिस तरीके से बिग बॉस ने श्री को समझाया कि क्या मैं कुछ आपको डिस्क्राइब करूं या मैं कुछ बोलूं, तो जहां पर कहा हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, तो जहां पे श्री को उन्होंने एक ही बात बोली, देखो आपके साउथ के कल्चर में फादर का नाम आपके लगता है पीछे सरनेम में, लेकिन हो सकता है रोहित को इस बारे में ना पता हो, और हो सकता है वो सिर्फ आपको आपके लिए बोल रहे हो, ये भी हो सकता है। तो वही हुआ, उन्होंने श्री ने पहले ही बोल दिया था, अगर उन्होंने उनको नहीं पता है तो बात अलग है, उनको पता है तो बिग बॉस मैं आपको पहले ही वॉर्न करके जा रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो वो गए, उन्होंने जाकर रोहित से पूछा कि रोहित तुमने फिलिप पर्सनली मेरे ऊपर बोला था या किस वजह से बोला था? तो जहाँ रोहित ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि भाई आप खुद ही अपने आप को फिलिप बोलते रहते हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि फिलिप संत को बुलाओ। तो जहाँ पे देखो वो एक दिन पहले जब दीपिका से बात करते हुए नजर आए थे गेट के पास में, जब वो बैठे हुए थे दीपिका और श्री जहाँ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था मैं मिस्टर फिलिप हूँ और सुरभि बेबी फिलिप है, तो उन्होंने वो खुद को फिलिप बोलते हैं, मिस्टर फिलिप बोलते हैं। तो जहाँ कहीं ना कहीं रोहित ने ये बात कह दी भाई आप खुद को फिलिप बोलते हो, तो उसकी वजह से मैंने आपको फिलिप संत कहा। ओके, उसके बाद फिर उन्होंने से उनसे कहा कि अच्छा तो आपको साउथ के कल्चर के बारे में कुछ पता है? तो उन्होंने कहा नहीं, कि संत मेरे पापा का सरनेम है, जो मेरे हमारे जो पीछे से जो पापा का नाम लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके फादर तक जा सकता हूँ या आपके फादर के बारे में बात कर सकता हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है श्री, सॉरी गाइस, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके फादर तक बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला ओके। तो फिर श्री ने उनको क्लियर कर दिया था कि साउथ इंडिया में बच्चे के नाम के पीछे फादर का सरनेम लगता है, ऑब्वियसली हमारे भी लगता है, हमारे फादर का जो मेरे फादर का नाम है और जो मेरा नाम है उनके पीछे ऑब्वियसली उनका नाम जुड़ता है। कभी कभी शादी के बाद बहुत से लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन अभी रिवाज नहीं है, बिकॉज अब नहीं होता है चेंज गर्ल्स का नाम, उल्टा उनके हस्बैंड का नाम उनसे जुड़ जाता है उसी नाम के ऊपर, तो नहीं चेंज होता सरनेम, नाम चेंज नहीं होता है। तो वो बात कहीं ना कहीं बिग बॉस ने बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल कर ली, और जिस तरीके से आज श्री ने अपने गुस्से को थोड़ा दबा के रखा और पहले उन्होंने बिग बॉस के पास जाकर पहल की बात करने की, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब उनके अंदर ग्रो अप हो रही है, बहुत अच्छी चीजें ग्रो अप हो रही है, जहाँ उन्होंने उनको भी समझाने की कोशिश, मेगा को भी कोशिश की, जब वो गेम में जिस तरीके से दिख रहे थे, जिस तरीके से कल दिखाया था जो कि भाई गुस्से में गए कि गेम रद्द हो सकता था ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो जाकर वहां पर सीधा यही बोले थे मेगा और जसलीन के सामने और सबके सामने कि ये चीज आपसी सहमति से भी हो सकती है, अगर ये बल से करना है तो ये अभी खत्म हो जाएगा, बल से कर लेते हैं चलो। तो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे भाई आपसी सहमति से कर लो, अब वैसे भी तो उनको पता ही था कि भाई हार तो चुके हैं, तो कुछ ज्यादा करने और कहने से कोई मतलब ही नहीं है। वहीं पर उन्होंने जब वो घंटा वगैरह जो बात हो रही थी मेघा की, तो उन्होंने मेघा को भी समझाने की कि मेघा जी ये बहुत गलत वर्ड है, बिकॉज देखो श्री की हिंदी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनको भी उस वर्ड का मतलब समझ में आता है, और उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की कि वो मेघा जी को ये बात समझा सके, लेकिन मेघा जी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो श्री ने भी ज्यादा कोशिश नहीं की, उन्होंने जहाँ वो जाकर जब लड़ रहे थे अपने बैठ के, मरना है तो मरने दो मेरी तरफ से, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी को भी। तो ये सब सारी बातें हुई हैं आज घर के अंदर। ओके, उसके बाद में केवी और रोमिल के भी बारे में, सॉरी रोमिल और सुरभि के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही बिग बॉस ने अनाउंस किया कि आपको जो कैप्टन जिस तरीके से टीम खेली है कैप्टनसी की दावेदारी टास्क और लग्जरी बजट के टास्क के लिए, उसमें सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किसका रहा, जहाँ पे
दीपक ने पहले नाम लिए थे रोमिल, सुरभि और केबी के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा था, लेकिन मुझे इनकी कहीं ना कहीं बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा था, तो मेरे हिसाब से वो तीन नाम है। उसके बाद में मेघा ने नाम लिया, जहाँ मेघा को सिर्फ क्लियर नहीं तीन नाम बताने थे, लेकिन उन्होंने वो बात रबड़ की तरह खींच दी फिर दोबारा से। और जहाँ पे उन्होंने किया कि मेघा ने कहा कि उसने एक घटिया वर्ड यूज किया है और घटिया शब्द यूज किया है, तो वो हमेशा वो घटिया शब्द पे आ रही थी, जहां पर बिग बॉस ने क्लियर बोला था कि किसका निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, और उसी के बेस पे आपको तीन नाम लेने थे। लेकिन मेघा जी तो मेघा जी हैं, वो हमेशा बात को रबड़ की तरह खींचती हैं, और उन्होंने फिर अपनी ही लैंग्वेज की तरह से घटिया वर्ड यूज कर लिया, और उन्होंने पता है इस बात में क्लेरिफिकेशन भी उन्होंने कर दिया, मतलब बहुत ही हद से ज्यादा वो मेघा अभी जा रही है ऊपर। उन्होंने जब वो किचन में काम कर रही थी, जब वो दीपिका और जसलीन के सामने बोली कि देखो वैसे तो बिग बॉस के कहने का मतलब ये था कि जो जिन घटिया लोगों ने घटिया प्रदर्शन किया है ना, उनका नाम लो, लेकिन बिग बॉस ने ऐसा काम ऐसा नहीं बोला, निराशाजनक बोला, लेकिन मैंने इनहेंस वर्ड को चेंज करने के चक्कर में, इनहेंस में मैंने वो घटिया उनका वो जो माइंड में था, जो उनके जहन में था, वो वाली बात मैंने उनको क्लियर कर दी और मैंने घटिया वर्ड यूज किया। ओके, उसके बाद में श्री ने अपने पॉइंट रखा कि भाई केबी ने कुछ भी नहीं किया है, तो मैं लग्जरी बजट के टास्क में सबसे ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन केबी का और रोमिल का एंड सुरभि का देना चाहूंगा। ओके, उस बीच में ना पता है मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, शायद इन लोगों को भी पता नहीं है कि गेम चेंजर सच में ही केबी थे। अगर ना ही केबी रोहित का माइंड सेट करते और इतनी प्लानिंग पॉटिंग जिस तरीके से वो हैबी क्लब को भी तोड़ने में लगे हुए हैं, तो बेसिकली सब केबी के ऊपर ही था, बाकी का सब देखते हैं ये गेम कब तक उनका, जिस तरीके से केबी गेम में बढ़ रहे हैं, गेम को समझ रहे हैं और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, देखते हैं ये कब तक चल पाएगा, ये सीक्रेट कब तक रह पाएगा केबी के बीच तक और उन तीन लोगों के बीच तक, तो देखते हैं ये अपनी वीकेंड बार के भी खुलता है कि नहीं खुलता है। ओके, उसके बाद में जब ये बात हुई, जहाँ सुरभि ने अपना बोला, रोमिल का नाम लिया था कि भाई उनका बिल्कुल भी मुझे कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा था, वो एक साइड पे पड़े हुए थे, उनका कुछ मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए, वो जितना लोग अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे थे थोड़े बहुत, तो सुरभि की इस बात से कहीं ना कहीं रोमिल और सुरभि में लड़ाई हो गई, जहाँ रोमिल ने उनको बोला कि भाई जब तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ कि नहीं हूँ, प्लीज आप ना बोलें इस चीज के बारे में। और उसी बीच में बढ़ते 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 ये बात उनके बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गई और चीजें इतनी सारी बिगड़ गई कि वो एक दूसरे की शक्ल ही देखना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे आपस में। जहाँ पे मेनली केबी जब वो पूल पे बैठे हुए थे, जहाँ सृष्टि पूल पर बैठी हुई थी, तो वो सब जाकर अपनी पैरों को बेचारे को ठंडक दे रहा था कि जो माइंड तक उनके पहुंची, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो उल्टा रिएक्शन कर गई, माइनस से माइनस करके वो प्लस में हो गया और वो जाकर लड़ गए थे एक दूसरे से। जहाँ पे सुरभि ने बहुत सारी बातें बोली कि भाई तू मेरी वजह से आया है, तू मेरी वजह से दिख रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं था पहले, मेरी वजह से तू दोबारा शो में आया है। तो रोमिल ने कहा कि भाई मुझे तेरे तेरे लाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बिग बॉस वालों ने मुझे देखा है, तो उस वजह से मुझे बिग बॉस वाले लेकर आए हैं, मुझे मत बता। जब उनकी शकल वकल के ऊपर बात आ गई थी कि भाई तेरी शकल देख, तू पहले सुरभि ने बात एक्चुअली स्टार्ट की थी कि तेरी शकल देख पानी में जाके, फिर उसको शकल देख, तो रोमिल ने उसको पलटवार कर दिया कि भाई तेरी शकल क्या है, तेरी शकल क्या है, तो उनके बीच में बहुत ज्यादा बात बढ़ गई। जहाँ पे बेचारी जाकर सुरभि रोई वो जेल के पास में, जहाँ के भी गए कि यार ऐसा मत कर प्लीज, और इस तरीके से अपने आप को अपसेट मत कर। जहाँ पे क्या नाम है उसका, एक तो ना इनका ना इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना नामों के बीच में, सुरभि ने जाके जाके वो रोने लग गई, जाके जेल के जो कोने में, जहाँ पे वो केबी से कहती हुई नजर आई कि मैं बुरी पर्सन नहीं हूँ, मुझे फीलिंग्स की कदर है, जब मैं मेरा मेरे मेरे जब माइंड खराब हो जाता है या ऐसी चीजें हो जाती हैं, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। और जहाँ पे जो बात थी, मैंने सही बात और सही पॉइंट रखा था अपना रोमिल के सामने, जहाँ पे बेचारा उन्होंने कहा भी, समझाया भी केबी ने कि यार देख अगर ऐसा है ना तो तू जाके एक बार रोमिल से बात कर ले, और वो रोमिल से बात भी करने गई, लेकिन रोमिल अपनी ही धुन में बैठे हुए थे, जहाँ उन्होंने बड़े ही प्यार से जाके सुरभि ने बोला कि देखो मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ, मेरे और आपके बीच में बहुत सारी चीजें बिगड़ चुकी हैं, लेकिन
रोमिल का कि भाई देख तेरे और मेरे बीच में कुछ भी सही नहीं हो सकता है, मैं यहाँ मेडिटेशन के लिए आया हूँ यहाँ इस जगह पे बैठने, तो प्लीज मुझे तू ना परेशान कर, तो ठीक है तू जा प्लीज मुझे बात नहीं करनी है। तो उसी बीच में उनकी बातों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई भड़ती चली गई, जब सुरभि ने बोला कि भैया ऐसी बात है, अगर तेरे अंदर अहंकार और इस तरीके से ईगो है ना, तो मैं भी अपने 28 साल के एटीट्यूड और स्वेग को नहीं भूल सकती, तो तुम मुझे ये बातें ना बोलो तो ज्यादा बेटर है। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ गई एक्चुअली में। ओके, उसके बाद में रोमिल भी दीपक से कहीं ना कहीं बात करती हुई नजर आई, सोमी से भी बात करती हुई नजर आई, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला उन बातों का, बिकॉज उनके मन से वो सुरभि उतर चुकी हैं, तो उतर चुकी हैं। उसके बाद में जिस तरीके से केवी ने अपना दांव खेला, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना दांव खेला शकुनी मामा बन के, और पासे फेंक डाले उन्होंने आज पूरे इस पूरे वीक के अंदर। वहीं पर ही आज 2 बार केवी हमें जकुजी में बात करते हुए नजर आए, पहले वो सुरभि से बात कर रहे थे जकूजी में, जहाँ पे वो टीम के लिए बोल रहे थे, श्री की टीम के लिए बोल रहे थे कि देखो अगर अब दीपिका और श्री की टीम अगर अब कुछ ज्यादा करती है ना, तो ये खुद के ही जाल में फंस जाएंगी, और जो बहुत ज्यादा गंदा नजर आएगा आगे के टाइम के लिए और इस टाइम जो चल रहा है गेम उसमें। उसके बाद में उन्होंने दीपक से बात की, जहाँ दीपक श्री के लिए बात कर रहे थे कि के सीरी के लिए उन्होंने बोला कि सीरी के सामने ऐसा कोई सगा नहीं जिसने उसको ठगा नहीं, मतलब जिसने उसने जिसको ठगा नहीं। तो बेसिकली जहाँ पे उनको दीपक को लग रहा है कि दीपक को लगा कि उन्होंने सबके साथ में गेम खेला है, या दीपिका जी को लग रहा है कि मैं इनके साथ में गेम खेल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, सीरी उनको उल्टा उनके साथ खेल रहे हैं। शिव को उन्होंने नहीं छोड़ा और काफी लोगों को उन्होंने नाम ले दिया उस बीच में, वो उन्होंने कसरी ने कहा, सॉरी दीपक ने कहा कि उन्होंने हमें भी तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हम तो समझ गए थे उनकी बात को, तो हम टूट नहीं पाए, रोमिल के यहाँ से टूट तोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने। तो ये सब बातें हुई आज घर के अंदर। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या केबी सही जा रहे हैं, क्या दीपक और सुरभि जिस तरीके से एक यूनिटी में नहीं है, आपस में बुराइयां करते रहते हैं अपने ग्रुप की, तो आपको क्या लगता है, क्या ये हैप्पी क्लब ज्यादा दिन तक रह पाएगा, तो आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर कमेंट करो और मुझे बताओ। श्री ने जिस तरीके से अपना पैशन आज संभाल के रखा और जिस तरीके से उन्होंने बात की, बात को हैंडल किया, तो वो आपको कहीं ना कहीं कितना सही लगा, कितना आपको ग्रो अप दिख रहा है उनके अंदर उन चीजों को लेकर। तो प्लीज मुझे इसके लिए मुझे कमेंट जरूर करें। और कल कल श्वेता सिंह आई है, न्यूज रिपोर्टर आई नहीं है एक्चुअली, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी है बिग बॉस की, जहाँ कल इन लोगों को टास्क मिला है, जहाँ पे दावेदारी में आ गए हैं दीपक और सुरभि आ गए हैं। रोहित का नाम क्यों नहीं आया अभी, नहीं अभी तक नहीं पता चला है, तो ये शायद उन लोगों के बीच में दोनों के बीच में टास्क हो रहा है, और जिस टास्क में दीपक की पार्टनर बनी है मेघा, जो उनको एक सनसनीखेज खबर बनानी है, और सनसनीखेज के चक्कर में शायद उन लोगों में आपस में ही बहसबाजी हो गई, जहाँ दीपक ने कहीं नहीं बातों बातों में उनके चाल ढाल को चाल चलन के बारे में बोल दिया, तो वो कहीं ना कहीं भड़क गई और उन्होंने उनमें जूता फेंक के मारा। उनको लगा है कि नहीं लगा है, वो ड्रामे के बीच में था, ड्रामे के बीच की लाइन में था, तो वो नहीं पता, और बाकी का उन्होंने माइक वाइक फेंक दिया, तो ऑब्वियसली वो तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो गेम बिगड़ी है, इन लोगों के बीच में बातें बिगड़ी हैं। ओके, वहीं पे ही सुरभि का साथ साथ सॉरी सुरभि का साथ दिया है श्री ने, जहां पे उन्होंने अपने गेम के क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें खोली हैं, सच राज बताए हैं अपने, तो वो राज क्या होने वाले हैं बिल्कुल भी कल देखना ना भूलें मेरे साथ में, रोज रात 9 बजे बिग बॉस, और मेरे रिव्यू भी अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज इस घंटी को अगर आप दबाओगे तो आपको रोज मेरी अपडेट मिलती रहेंगी और बिग बॉस के बारे में खबर भी, तो जुड़े रहो मेरे साथ में मेरे चैनल पर एंजल किम 21। और अगर आप मेरे को कोई पर्सनली मैसेज करना चाहते हो, तो आप मेरी मेल आईडी पर जाकर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मेंशन कर दूंगी। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू।